हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमाना तासो, स्वागत है अमाना डिजिटल चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भी PNG और बैकग्राउंड यूज किया है वो सब एक जी फाइल में, तो जी फाइल का पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। पासवर्ड आपको चार जगह दिखेगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पासवर्ड भी दिख जाएगा और बहुत ही आसान से मतलब आप अनजिप करके आप इस तरह का पोस्टर बना लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको जो भी फोटो आप यहाँ पे यूज करना है, उस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में बताया हूँ मतलब किस तरह से बैकग्राउंड को पूरा फुल HD में रिमूव कर पाएंगे, वो मैं उस वीडियो में बताया हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पिक्सेल एप्लीकेशन ओपन करने में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको इसमें जो साइज है वही रहने देना है। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करके आप यहाँ से साइज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आप जी फाइल से आप बैकग्राउंड और PNG डाउनलोड किए होंगे उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना था, यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने में दोस्तों आपको यहाँ पे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, समझ लीजिए ये वाला बैकग्राउंड है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और टिक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसी तरह से जितना भी PNG यहाँ पे यूज किया है सभी PNG को आपको ऐड कर लेना है, कि सभी PNG में आपको इस जी फाइल में दिया हूँ, तो आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है। उसके बाद हम दोस्तों हम यहाँ पे टेक्स्ट वाला PNG हमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे पूरा फुल कर लेंगे, फिर टिक पे क्लिक कर देंगे इस तरह से करके। उसके बाद हम यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा देंगे, जो फ़ोटो अपना यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो फ़ोटो आपको गैलरी में से जो भी मतलब फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है उस फोटो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे जो बोला फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ से टिक पे क्लिक कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो इस तरह से अपना फ़ोटो को मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर इस तरह का फ़ोटो को अपना लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी नाम हम लिखना है वो सब कुछ लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए दोस्तों आपको प्लस पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, ए वाला PNG ले लेना है, टिक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों इसका जो साइज़ है यहाँ पे क्लिक करके इसको 100% पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको टिक पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे ये पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक में दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। उसको दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से आपको भी अपना नाम लिखना चाहते हैं इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह से नाम लिख के आपको यहाँ पे 2 बिंदी दे देना है और डन पे क्लिक करके इस तरह से ओके कर देना है। और इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेना है, इसका साइज़ आपको यहाँ पे छोटा कर लेना है, छोटा करके टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसके मदद से आपको यहाँ से इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। और फिर इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से करके आप यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद टिक पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं स्टाइल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको और थोड़ा नीचे ले लेते हैं इस तरह से नीचे करके यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपका चैनल का नाम लिख लेना है। तो चैनल का नाम कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लेना वाचर इस तरह से और एड लिख लेंगे और यहाँ पे 2 बिंदी दे देंगे और स्पेस दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख लेना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे चैनल का नाम लिखा अमानत डे और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिख देना वाचर T2
और ओके डाउन करके ओके कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे करके यहाँ पे इसको साइज छोटा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से साइज को छोटा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसका जो कलर है हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे और टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, इस तरह से स्पेस दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले लेंगे इस तरह से यहाँ पे सेंटर में, और फिर टिक पे क्लिक करके ओके कर देना। उसके बाद दोस्तों इसको सेव करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों आपको सेव टू गैलरी में क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने में दोस्तों इसको पूरा फुल HD में करना चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वाले कंधवा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।